खान और आप देख रहे हैं ई न्यूज टुडे। इन दिनों एक तूफान ने दक्षिण भारत में तबाही मचाया हुआ है, जिसे कई राज्यों को प्रभावित किया है। जी हां, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान मिचोंग से तब्दील हो गया है। ये सोमवार को उत्तरी तमिलनाडु तट पर पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान विभाग रविवार को अलर्ट जारी करते हुए बताया कि तूफान पांडिचेरी से लेकर लगभग 250 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व चेन्नई से 230 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व नल्लोर से 350 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। इसके उत्तर पश्चिमी की ओर आगे बढ़ने और सोमवार तक दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों पर पहुंचने की संभावना है। इसके बाद 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ मिचोंग मंगलवार को नल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच तट से टकरा सकता है। इसकी अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। पेंट्र के अनुसार हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुंडुचेरी में 21 टीमें तैनात की हैं। 8 अतिरिक्त टीमों की रिजर्व में रखा गया है। क्या कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति यानी एनसीएमसी की बैठक में चक्रवात के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की तैयारी की समीक्षा की गई है। आईएमडी के महानिदेशक ने एनसीएमसी को चक्रवाती तूफान की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट सचिव ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई जान माल की हानि ना हो। उन्होंने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पुडुचेरी की सरकारों को आश्वासन दिया है कि आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ टीमें तैनात की जाएंगी। चक्रवात के मद्देनजर रेलवे ने 118 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि तूफान से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। राज्य में तूफान के कारण सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश की आशंका है। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत केंद्र भी तैयार है। राज्य में 4,967 राहत शिविर तैयार है। सरकार ने सोमवार को चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि सभी आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिचोंग से निपटने की तैयारी का जायजा लेने के लिए रविवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी से बात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएं। उन्होंने अधिकारियों से उन्हें नियमित आधार पर अपडेट करने को कहा। महाबलीपुरम समेत तटीय क्षेत्रों में समुद्र स्तर 5 फीट तक बढ़ा। चेलंगपट्टू चक्रवात मिचोंग के तमिलनाडु पहुंचने से पहले महाबलीपुरम समेत विभिन्न तटीय क्षेत्रों में समुद्र का स्तर लगभग 5 फीट तक बढ़ गया है। मछुआरों और पर्यटकों को समुद्र तट पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे घर पर रहें और सुरक्षित रहें। वहीं इसका असर आसपास के कई इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ई न्यूज़ टुडे।